क्योंकि मैंने बिना हिचकिचाए दस्तखत कर दिए, इसलिए नदीम। जानते हो ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम इस कंपनी को हासिल करने के लिए मेरा सौदा कर रहे हो। तुम एक बहुत चालाक इंसान हो नदीम, लेकिन तुम्हारे वो अंकल तुमसे कई गुना होशियार है। वो तुम्हें ये कंपनी कभी भी नहीं देंगे। मैं आगा साहब के लिए कोई हैसियत नहीं रखती, और इस तलाक से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नदीम, क्योंकि किसी भी शख्स के लिए उसकी औलाद सबसे पहली तरजीह होती है। आ जाएं। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरा बेटा अपने कमरे में नहीं था, तो सोचा तुम ही से मुलाकात कर लूं। बहुत अच्छा किया। ये तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूं। कमरे की सजावट बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने सोचा था। जाहिर है सब कुछ आगा ने जो किया है। बताओ, तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया? इसमें ये बताइए कि कोई खुफिया कैमरा है या फिर कोई बॉम्ब है। तुम मुझे हमेशा हैरान कर देते हो, बिल्कुल नहीं बदले। ये सब आपसे तो सीखा है मैंने। आपके छोटे छोटे खेल अंकल को नहीं बताऊंगा, फिक्र मत करें। लेकिन आइंदा अगर आपने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। आगा साहब को अभी कोई कॉल नहीं देना। ठीक है शना साहिबा। आगा। और शना साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।